हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस सेमेस्टर आई विल टीच यू पेपर थर्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ फोर्सेस ऑन बॉडीज दैट आर इन मोशन। डायनामिक्स मैकेनिक्स की ब्रांच है। इसमें हम फोर्सेस को स्टडी करेंगे और जो बॉडीज़ होगी जिन पे फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो बॉडीज़ यहाँ पर मोशन में होगी। आप स्टैटिक्स ऑलरेडी स्टडी करके आए हो। स्टैटिक में हम एक्शन ऑफ फोर्सेस स्टडी करते हैं, पर वहाँ बॉडीज आपकी रेस्ट पे होती है और यहाँ पर बॉडी आपकी मोशन में रहेगी, मूविंग बॉडीज होगी। तो सबसे पहले हम मोशन देख लेते हैं। मोशन किस तरह का होता है? मोशन को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन इस तरह का मोशन होगा जो मोशन कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम पेंडुलम का मोशन लें, पेंडुलम मूव कर रहा है। पेंडुलम जब मूव कर रहा है तो इस तरह से मूव करेगा। ये पेंडुलम की पोजीशन है, ये मूव कर रहा है तो लेफ़्ट राइट इस तरह से ये मेन पोजीशन के अबाउट मूव करेगा। अब यहाँ पर अगर हम स्टार्ट करें, पार्टिकल यहाँ पर है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर अगेन रिटर्न हुआ, देन अगेन यहाँ गया। इट मीन्स पार्टिकल ने कुछ टाइम के बाद अपनी वही पोजीशन ऑक्यूपाई करी। सपोज़ पार्टिकल ने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से आ गया, देन रिटर्न आया। इट मीन्स पार्टिकल ने वही पोजीशन ऑक्यूपाई करी कुछ टाइम के बाद। इस तरह के मोशन को हम कहेंगे पीरियोडिक मोशन, जिसमें बॉडी कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वही पोजीशन ऑक्यूपाई करे और उसी सेम डायरेक्शन में मूव करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग के साथ एक बॉक्स अटैच कर दी है, आपने इस बॉक्स को इधर पुल किया तो क्या होगा? बॉक्स राइट साइड आएगा, देन अगेन क्या होगा? स्प्रिंग की वजह से, इलास्टिसिटी की वजह से बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इस तरह से मोशन रहेगा कि आपने बॉक्स को अगर स्ट्रेच किया, पुल किया, तो यहाँ से राइटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, देन अगेन लेफ्ट डायरेक्शन में फिर से वापस आएगा। तो पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। पार्टिकल इधर जा रहा है, एक बार यहाँ आया, देन अगेन लेफ्ट डायरेक्शन में गया, देन राइट आया। तो पार्टिकल कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा है। सो अगेन दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन में एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं पीरियोडिक मोशन का। फॉर एग्जांपल, आपने एक हाथ में थ्रेड लिया, थ्रेड के एक साइड पे आपने स्टोन टाई कर दिया और आप उसको राउंड राउंड घुमा रहे हैं। हाथ में आपने रस्सी लेकर उसके एक एंड पे सपोज़ कुछ स्टोन टाई कर दिया, आप उसको घुमा रहे हैं, तो वो इस तरह का मोशन रहेगा। सो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? पार्टिकल यहाँ पर है, सपोज़ कुछ टाइम के बाद अगेन फिर इसी पोजीशन पे आएगा, कुछ टाइम के बाद फिर एक राउंड कंप्लीट करके फिर उसी पोजीशन पे आएगा। इट मीन्स ये मोशन भी क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। इस तरह के मोशन को हम कह देंगे पीरियोडिक मोशन। और नॉन पीरियोडिक मोशन में का एग्ज़ाम्पल अगर हम लें, सपोज़ आपने कुछ स्टोन यहाँ से थ्रो किया, ये स्टोन थ्रो किया, तो क्या होगा? स्टोन नीचे चला जाएगा। इसी तरह से अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, सपोज़ ये बॉडी है, यहाँ आपने इसको फोर्स लगाया, तो ये क्या होगा? राइट डायरेक्शन में अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो यहाँ मूव करेगी, ये वापस अपनी पोजीशन पे दोबारा नहीं आएगी। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए नॉन पीरियोडिक मोशन के। अब पीरियोडिक मोशन को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑक्सीलेटरी मोशन एंड नॉन ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन हमारे इस तरह के मोशन रहेंगे कि पार्टिकल किसी मीन पोजीशन के अबाउट रोटेट करे, किसी मीन पोजीशन के अबाउट अगर रोटेट कर रहा है, उस तरह के मोशन को हम ऑक्सीलेटरी कह देंगे। अब पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स है ये तीनों। अब यहाँ पर अगर हम पेंडुलम का मोशन लें तो यहाँ पर जो हमारा मोशन है, ये जो हमारी सेंट्रल पोजीशन है, इसके अराउंड ही मूव कर रहा है, इस तरह से मोशन हो रहा है, तो इस पोजीशन के अबाउट ही मोशन हो रहा है, तो इस तरह के मोशन को हम कह देते हैं ऑक्सीलेटरी मोशन। यहाँ पर भी अगर आपने किसी बॉक्स को स्ट्रेच किया, बॉक्स को आपने स्ट्रेच किया तो बॉक्स क्या होगा? राइट डायरेक्शन में अगर आप पुल कर रहे हो तो इधर जाएगा, देन स्प्रिंग की वजह से वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो जो मोशन होगा वो इस पोजीशन के अबाउट होगा, ये राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा। तो जो पार्ट अबाउट होने का मींस, इस मेन पोजीशन के अबाउट होने का मींस या तो उसके लेफ्ट राइट हो या
ऊपर नीचे हो, इस तरह का अगर मोशन है जो किसी पॉइंट के लेफ्ट राइट में या ऊपर नीचे हो रहा है मोशन, उस तरह के मोशन को हम कहते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। जो हमने ये स्टोन वाला एग्जांपल किया, यहाँ पर हमारा क्या है, ये स्टोन रोटेट कर रहा है, पार्टिकल रोटेट कर रहा है, पर ये किसी पोजीशन के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा। अभी स्टोन यहाँ है, यहाँ है, देन यहाँ है, देन यहाँ है, इस तरह का मोशन किसी मीन पोजीशन के अबाउट नहीं रोटेट कर रहा। ये हमारा इस सेंट्रल पोजीशन के अबाउट ही रोटेट हो रहा है। यहाँ पर भी ये मोशन हमारा क्या हो रहा है, इस सेंट्रल पोजीशन के, बॉक्स की पोजीशन के अबाउट ही रोटेट हो रहा है। जो किसी मीन पोजीशन के अबाउट मोशन हो, उस मोशन को हम कहेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन, एंड रेस्ट आर नॉन ऑक्सिलेटरी मोशन। अब यहाँ पर ऑक्सिलेटरी मोशन का ही पार्ट है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हम स्टडी करेंगे। चैप्टर थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक कंडीशन हो जाती है, ये कंडीशन तो है कि पार्टिकल का मोशन किसी मीन पोजीशन के अबाउट ही हो। यहाँ पर जो हमारी एक्सेलरेशन है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये हमारा बॉक्स है, आपने यहाँ पर, यहाँ ये लेते हैं, ये हमारा बॉक्स है, आपने इसको पुल किया, ये बॉक्स यहाँ आ गया। अब जब आप इसको छोड़ोगे तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो जो पार्टिकल का मोशन है इस सेंट्रल पोजीशन के अबाउट है, इट मीन्स ये ऑक्सिलेटरी मोशन है। अब यहाँ पर एक कंडीशन क्या है कि पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है, आपने यहाँ पर बॉक्स था, अब यहाँ पर आ गया, जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पोजीशन। ये हमारी मेन पोजीशन थी, अब पार्टिकल यहाँ पर है, बॉक्स यहाँ पर है, तो जो एक्सेलरेशन होगी पार्टिकल की वो प्रोपोर्शनल होगी ये जो डिस्टेंस है, ये फिक्स पोजीशन और जहाँ पर आपने इसको स्ट्रेच किया है, जहाँ पर इसकी पोजीशन अब है एट एनी टाइम। ये इसकी फिक्स पोजीशन थी, ये किसी टाइम टी पर पोजीशन है, तो जो यहाँ पर एक्सेलरेशन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इस डिस्टेंस के। सपोज ये डिस्टेंस एक्स है, तो जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारी प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक्स के। सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये कंडीशन एक रहती है। एक और कंडीशन क्या रहती है कि जो एक्सेलरेशन होगी उसकी डायरेक्शन हमेशा इस फिक्स पॉइंट के टुवार्ड्स होगी। आप इस बॉक्स को यहाँ स्ट्रेच कर रहे हो, पर ये क्या ट्राई करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे जाना। आप इसको राइट साइड पे लेके जा रहे हो, फोर्स लगाया आपने, ये राइट साइड पे गया, पर ये क्या ट्राई करेगा, वापस अपनी पोजीशन पे जाना। स्प्रिंग लगा हुआ है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब यहाँ पर तो जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल बॉडी वापस उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। जब तक आप फोर्स लगा रहे हो तब तक तो वो इधर जाएगी, पर जैसे ही आपने फोर्स को रिमूव किया, पुल करना बंद कर दिया, तो ये पार्टिकल वापस क्या जाएगा, अपनी पोजीशन पे आएगा। तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, इस सेंट्रल पोजीशन की तरफ होगी। सो वी हैव डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ए पार्टिकल इज सेट टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एग्जीक्यूट करेगा अगर आपने पार्टिकल, सपोज यहाँ पर है, ये इसकी मेन पोजीशन है, अगर आप पार्टिकल को यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक ले गए, तो जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये डिस्टेंस के, डिस्टेंस ऑफ दिस मेन पोजीशन और ये जो पार्टिकल की पोजीशन है एट एनी टाइम टी। और जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो कहाँ होगी, टुवार्ड्स दिस फिक्स पॉइंट, ये जो हमारा फिक्स पॉइंट है इसके टुवार्ड्स डायरेक्शन रहेगी। इस तरह के मोशन को हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। एग्जांपल आपका यही है, आपने बॉक्स को पुल किया, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी ये जो डिस्टेंस होगा, जितनी डिस्टेंस तक आप ले गए हो या किसी टाइम टी पर जहाँ भी पोजीशन है पार्टिकल की, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी, टुवार्ड्स दिस मेन पोजीशन, टुवार्ड्स द फिक्स पॉइंट। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी पोजीशन ऑफ पार्टिकल अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। ए पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए फिक्स पॉइंट इन द लाइन एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट डिस्कस द मोशन। हमें गिवन है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ये कोई फिक्स पॉइंट है,
ये कोई फिक्स पॉइंट ले लिया हमने, पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टुवर्ड्स दिस फिक्स पॉइंट, मूव इधर कर रहा है बट एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो ये है कि पार्टिकल वहाँ जाना चाहता है, या तो हम फोर्स लगा के उसको पुल कर रहे हैं, और जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ये फिक्स पॉइंट है, अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो जो हम एक्सेलरेशन होगी वो प्रोपोर्शनल होगी इस डिस्टेंस के। सिर्फ ये दो कंडीशन आपने ध्यान रखनी है, उसके इसमें हम मोशन को कहेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। मींस इस तरह की कंडीशन गिवन है तो इट मींस मोशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमें उस डिस्कस करना है। मींस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, मोशन डिस्कस करेंगे, जब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया ये ओ फिक्स पॉइंट ले लिया। किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन हमने सपोज कर ली पी, ये हमने ए डैश ओ ए एक लाइन ले ली क्योंकि जो मोशन है वो एक लाइन के अलोंग है। पार्टिकल किसी टाइम टी पर इस पी पोजीशन पर है और ये आपका ओ फिक्स पॉइंट है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी इस डिस्टेंस के। ये आपका फिक्स पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ पर है, हमने ये डिस्टेंस ले लिया एक्स और एक हमने ओ ए डिस्टेंस ले लिया ए। अभी जस्ट हम ये बात कर रहे हैं कि पार्टिकल किसी टाइम टी पर पी पोजीशन पे है और ओ पी क्या है हमारा, एक्स के इक्वल है। नाउ एक्सेलरेशन हमें पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है, ये फिक्स पॉइंट है, पार्टिकल यहाँ है, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू दिस डिस्टेंस। एक्सेलरेशन हमारी जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक्स के। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज ए इज डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी को हम इस तरह से लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, एंड डी एक्स बाई डी टी इज वी, वेलोसिटी होती है हमारी डी एक्स बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, डी एक्स बाई डी टी वी के इक्वल होता है, सो दिस इज वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो ए को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब एक्सेलरेशन हमारी प्रोपोर्शनल है एक्स से, तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, इसको इक्वल साइन से रिप्लेस करते हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आता है, वो हमने ले लिया म्यू। सो एक्सेलरेशन मीन्स वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगी म्यू एक्स से, म्यू हमारा है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट होगा को हम डिनोट कर रहे हैं म्यू से इनटू एक्स, और ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि पार्टिकल आपका इधर जा रहा है, फिक्स पॉइंट से इधर जा रहा है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो पार्टिकल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो टुवार्ड्स फिक्स पॉइंट होती है, इस ओ की टुवार्ड्स होगी, पार्टिकल यहाँ है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी, बट पार्टिकल अपोजिट मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से अपोजिट मूव कर रहा है, इसलिए ये नेगेटिव साइन आया। सो ये हमारा आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको हम लिख सकते हैं वी इंटू डी वी इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दिया वी स्क्वायर बाय टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी, सी इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब पार्टिकल हमारा यहाँ मूव कर रहा है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, अब पार्टिकल मूव यहाँ कर रहा है पर उसकी एक्सेलरेशन इस तरफ है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ओ है, इट मीन्स पार्टिकल कभी ना कभी रेस्ट पे आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन उस तरह की है, क्योंकि बॉडी पे अगर फोर्स नहीं है तो बॉडी इस तरफ जाना चाहती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इस तरफ है, पार्टिकल यहाँ मूव कर रहा है पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, इट मीन्स बॉडी कहीं ना कहीं रेस्ट पे आ जाएगी। हमने ए मान ली पोजीशन ऑफ रेस्ट की, ए पॉइंट पर जाकर बॉडी रुक गई और ये ओ ए हमने ले लिया ए। सो जब ये एक्स क्या डिनोट कर रहा है, पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है, जब पार्टिकल यहाँ पर है तो पोजीशन डिस्टेंस कितना है एक्स, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा तो एक्स की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी ए ए के। एक्स क्या बता रहा है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दिस फिक्स पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब
जब ए पॉइंट पे बात करें, ए पॉइंट पर पार्टिकल की क्या पोजीशन ली, कि बॉडी रेस्ट पे आ गई है, बॉडी रेस्ट पे आ गई है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। हम कंसीडर कर रहे हैं कि बॉडी ओ से लेकर ए तक मूव करी और हमने सपोज कर लिया ए पॉइंट पर वो रेस्ट पर आ गई है। अगर रेस्ट पे आ गई है तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी और ए पॉइंट पे एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ए की। एक्स क्या था, जहाँ जहाँ पार्टिकल जा रहा है, अगर पार्टिकल यहाँ है तो दिस इज़ एक्स, अगर पार्टिकल यहाँ है तो दिस इज़ एक्स। अब पार्टिकल ए पे है तो ये एक्स हो जाएगा और हमें पता है ओ ए हमने ले रखा है ए के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू हो गई ए के इक्वल। सो पुट कर देंगे यहाँ पर तो सी की वैल्यू आ जाएगी, वी इज़ ज़ीरो, एक्स इज़ ए, तो ये हो गया सी, आ गया म्यू ए स्क्वायर बाय टू। सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इक्वेशन टू में, सो ये हो गया वी स्क्वायर बाय टू इक्वल्स टू माइनस म्यू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी इज़ म्यू ए स्क्वायर बाय टू। तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई म्यू इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वी इज़ प्लस माइनस अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पर दो साइन आ रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट केस, व्हेन टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, जो टाइम है अगर हम वो स्टार्ट कर लें मेजर करना ओ से, पार्टिकल ओ से स्टार्ट हुआ जाना ए पर जाकर रुक गया, इतना हमने स्टडी किया, तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब टाइम अगर हम यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट करें तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पार्टिकल जा रहा है इस तरफ तो टाइम बढ़ रहा है तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। जब पार्टिकल रेस्ट पे था टाइम ज़ीरो था, जब पार्टिकल ओ पोजीशन पे था तो टाइम ज़ीरो था। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पार्टिकल इधर है किसी टाइम टी पर, देन टाइम पर इधर है, देन इधर है, देन इधर है, यहाँ पर आके स्टॉप हो गया, हमने ये स्टडी किया। अब यहाँ पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है x इंक्रीज़ हो रहा है तो dx बाई dt पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है और न्यूमिनेटर भी बढ़ रहा है तो क्या होगा, dx बाई dt, टाइम के साथ डिस्टेंस बढ़ रहा है तो dx बाई dt पॉजिटिव आएगा। तो हमने ये पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर कर ली, dx बाई dt इज़ रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो dx को इसको इस तरह से लिख दिया, वेरिएबल सेपरेट कर दिए, इंटीग्रेट कर दिया। सो दिस इज़ साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल्स टू रूट म्यू टी प्लस सी वन, सी वन इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब सी वन की वैल्यू निकालने के लिए, जब टाइम ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो था तो बॉडी कहाँ पर है, ओ पर है, एक्स की वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, क्योंकि एक्स क्या है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल और इस ओ पॉइंट का डिस्टेंस। अब जब पार्टिकल यहीं पर है, पी भी यही है, ओ भी यही है, तो क्या हो गया, एक्स ज़ीरो हो गया, एक्स इज़ ज़ीरो। तो जब टाइम ज़ीरो है, एक्स ज़ीरो है, तो यहाँ पुट कर दिया हमने तो सी वन की वैल्यू आ गई ज़ीरो, यहाँ पुट कर दी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल्स टू रूट म्यू टी, सी वन ज़ीरो है, यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स इज ए साइन रूट म्यू टी, ये हमारा आ गया डिस्टेंस। किसी भी टाइम टी पे आपने डिस्टेंस निकालना हो, अब पार्टिकल आपका ओ से मूव करना स्टार्ट किया, सपोज़ आपने ये डिस्टेंस निकालना है एनी टाइम टी, हम सपोज़ ये फाइंड आउट कर सकना चाहते हैं 5 सेकंड के बाद बॉडी कहाँ है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा कि बॉडी कहाँ है। अब नेक्स्ट केस कंसीडर करेंगे, अभी हमने टाइम कहाँ से मेजर स्टार्ट करना स्टार्ट किया, फिक्स पॉइंट से। नेक्स्ट केस में अगर हम ये ले, टाइम इज मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन पार्टिकल इज एट ए, अब यहाँ पर क्या है, ओ पोजिशन पर बॉडी थी, बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया ए पोजीशन पे, वो रेस्ट पे आ गई। अब रेस्ट पे आ गई है पर बॉडी की एक्सेलरेशन क्या है, टुवार्ड्स ओ, तो जब एक्सेलरेशन है, जहाँ एक्सेलरेशन होगी बॉडी वहाँ मूव करेगी, तो बॉडी यहाँ मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब बॉडी यहाँ मूव कर रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, टाइम मेज़र कर रहे हैं वहाँ से जब पार्टिकल यहाँ पर है। अभी हमने टाइम मेज़र किया था, यहाँ टाइम ज़ीरो था जब बॉडी यहाँ थी, अब हम क्या कह रहे हैं, अब बॉडी वापस इधर जा रही है तो यहाँ पर टाइम ज़ीरो है, जब बॉडी ए पे है तो हम टाइम ज़ीरो है। अब हम देखेंगे कि टाइम कितना लेती है बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। अब यहाँ आप देख रहे हो टाइम बढ़ेगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू ए के इक्वल है, ये ओ है, ये ए है। अब जब एक्सेलरेशन इधर है तो बॉडी वापस जा रही है। अब यहाँ पर टाइम हमने ये आ लिया ज़ीरो, अब हम टाइम यहाँ से मेज़र कर रहे हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जो टाइम लग रहा है।
अब यहाँ पर टाइम ज़ीरो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बॉडी यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम। एक्स क्या होता है, डिस्टेंस होता है यहाँ से, पहले बॉडी यहाँ पर थी जब टाइम ज़ीरो था, फिर बॉडी कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई, देन बॉडी कहाँ पर आ गई, ये आ गई। तो एक्स आपने मेज़र हमेशा ओ से ही करना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। एक्स क्या बताता है, इस ओ और जहाँ पर बॉडी है वो डिस्टेंस। जैसे ही टाइम बढ़ रहा है बॉडी वापस आ रही है, तो कुछ ही टाइम पे यहाँ है, देन नेक्स्ट क्या होगी, बॉडी यहाँ पर आ गई होगी किसी टाइम पे। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, यहाँ टाइम ज़ीरो है तो एक्स की वैल्यू ए है, अब टाइम बढ़ा बॉडी यहाँ आई तो एक्स की वैल्यू कम हो गई, इतनी हो गई। तो जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्स की वैल्यू कम हो रही है, टाइम के साथ एक्स कम हो रहा है, तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी यहाँ से, तो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ रूट म्यू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गई। यहाँ से अगेन वेरिएबल सेपरेट कर लिए हमने, इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज कोस इनवर्स एक्स बाय इक्वल्स टू रूट म्यू टी प्लस सी टू। अब सी कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करने के लिए, जब टाइम ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है, अब टाइम यहाँ से मेज़र हो रहा है, टाइम ज़ीरो है तो बॉडी यहाँ पर है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स होता है यहाँ से जहाँ पर बॉडी है वो डिस्टेंस, ये है। जब बॉडी यहाँ पर है तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ए के इक्वल, क्योंकि ओ ए क्या है, ए के इक्वल। सो एट एक्स इक्वल्स टू ए टाइम ज़ीरो है, यहाँ पुट कर दिया, एक्स को ए पुट कर दिया, टाइम को ज़ीरो पुट कर दिया, तो कोस इनवर्स वन सी टू के इक्वल आ गया, वी नो कोस ज़ीरो इज़ वन, सो यहाँ सी टू की वैल्यू ज़ीरो आ गई, यहाँ सी टू को ज़ीरो पुट कर दिया, तो एक्स आ गया ए कोस रूट म्यू टी, ये हमें देगा डिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या है, ए से मूव हो रही है बॉडी, वहाँ पर क्या था, ओ से मूव हो रही थी बॉडी। सो हमारे जो सॉल्यूशन आए, डिस्टेंस आए, वो आ गए साइन रूट ए साइन रूट म्यू टी या फिर कोस रूट म्यू टी, ये डिपेंड करेगा जब आप टाइम कहाँ से मेज़र कर रहे हो, अगर आप सेंट्रल पोजीशन ओ से मेज़र कर रहे हो या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मेज़र कर रहे हो। फर्स्ट केस में हमने टाइम जो है ओ से मेज़र करना स्टार्ट किया था, सेकेंड केस में हमने टाइम एक्सट्रीम पोजीशन से मेज़र करना स्टार्ट किया था, मीन्स बॉडी ए पे थी यहाँ और यहाँ स्टार्टिंग में बॉडी ओ पे थी, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर वेलोसिटी निकालनी हो, डिस्टेंस है वेलोसिटी निकालनी हो, तो क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, एंड वी नो डी एक्स बाई डी टी इज़ वेलोसिटी। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने फाइंड आउट कर ली अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज़ दिस वी। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी की। देखो यहाँ से वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई उस केस में मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही ज़ीरो हो गया। सो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, रूट म्यू ए। और मिनिमम वेलोसिटी कब होगी, जब एक्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, ए के इक्वल हो जाए या माइनस ए के इक्वल हो जाए। वेलोसिटी इज़ मिनिमम व्हेन एक्स इज ए, जब एक्स ए हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ से आप देखो, यहाँ हमारी बॉडी ओरिजिनल थी, यहाँ पर एक्स ज़ीरो है और यहाँ पर एक्स क्या है, ए के इक्वल, ये एक्स ए है और ये एक्स ज़ीरो है। तो यहाँ पर तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है, रूट म्यू है, और यहाँ पर आके वेलोसिटी क्या आ गई, ज़ीरो। पार्टिकल यहाँ रेस्ट पे ही आ गया था। जब x की वैल्यू a है, मीन्स यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ गई, मिनिमम आ गई, ज़ीरो आ गई, मीन्स यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अभी तो हमने वेलोसिटी की बात कर ली, यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी, यहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है हमारा, डिस्टेंस ज़ीरो है, ये हमारी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर आई, हमारा जो डिस्टेंस होता है, सपोज़ बॉडी यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस कितना था, x। अगर बॉडी यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस x कितना हो गया, a। एक्सेलरेशन हमारी प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की, तो जितनी दूर होगी बॉडी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन हो जाएगी। अगर बॉडी a पर है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अगर बॉडी यहाँ पर है तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल हो जाएगी एक्स से, और अगर बॉडी यहाँ पर है तो डिस्टेंस कितना हो गया, ज़ीरो। डिस्टेंस आपने ओ से ही मेज़र करना है, अगर बॉडी यहाँ पर है तो डिस्टेंस कितना हो गया, ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन यहाँ ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पर मैक्सिमम। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
दिस इज ओ, दिस इज ए, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी ज़ीरो थी और एक्सेलरेशन मैक्सिमम थी, और यहाँ पर आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है और वेलोसिटी मैक्सिमम है, और वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी है, रूट म्यू ए। हैंस द पार्टिकल हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी एट ओ, और मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी है, म्यू ए। जब पार्टिकल यहाँ पर है ए पे, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई, म्यू ए, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, अगर मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, जस्ट हम साइन नहीं देख रहे अभी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल है जब बॉडी ए पर है, तो ये डिस्टेंस कितना है ए, तो जब ये हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, म्यू एक्स, और म्यू एक्स जब बॉडी ए पे है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी म्यू ए। सो हम एक इसका मोशन डिस्कस कर लेते हैं। वी नो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, जब यहाँ पर है, यहाँ पर अभी हमने देखा वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम, और एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और जब यहाँ पर आए वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, और एक्सेलरेशन आ गई रूट म्यू ए। एक्सेलरेशन हमारी होती है म्यू एक्स के इक्वल, और एक्स होता है ये डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ ए है तो म्यू है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन यहाँ ज़ीरो है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ वेलोसिटी है पार्टिकल की, तो पार्टिकल मूव करेगा क्योंकि कुछ वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है पर एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, इधर है, टुवार्ड्स ओ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टुवार्ड्स ओ होती है। पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो पार्टिकल इधर मूव करेगा, बट एक्सेलरेशन इस तरफ है तो पार्टिकल कहीं ना कहीं जाकर रेस्ट पे आ जाएगा। जहाँ रेस्ट पे आ गया वहाँ वेलोसिटी क्या आ गई, ज़ीरो। और इस केस में पार्टिकल के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी, वो होगी म्यू ए, क्योंकि पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स ओ रहेगी, तो बॉडी अगेन वापस मूव करेगी इधर। अब यहाँ आ गई बॉडी वापस, यहाँ आने के बाद उसकी एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गई, बट पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, क्योंकि कुछ वेलोसिटी है रूट म्यू ए वेलोसिटी है, तो बॉडी अगेन इधर मूव करेगी। जब इधर मूव कर रही है बॉडी, पर पार्टिकल की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड्स ओ है, बॉडी इधर मूव कर रही है पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, तो बॉडी कहीं ना कहीं रेस्ट पे आ जाएगी, से ए डैश पे वो रेस्ट पे आ गई। अब यहाँ रेस्ट पे आ गई तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई और एक्सेलरेशन कितनी हो गई, माइनस रूट म्यू ए। यहाँ पर एक्सेलरेशन है बॉडी के पास, एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरह है, टुवर्ड्स ओ, तो बॉडी वापस इधर मूव करेगी, वापस इधर मूव करेगी, फिर ओ तक आएगी, ओ पे आई तो फिर बॉडी के पास अगेन क्या होगी, एक्सेलरेशन तो ज़ीरो आई पर बॉडी रुकेगी नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है, वो तब तक मूव करेगी जब तक वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होती। यहाँ पर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई पर कुछ एक्सेलरेशन है, तो वो अगेन एक्सेलरेट करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन करेगी। अब यहाँ पर आके एक्सेलरेशन तो ज़ीरो हो गई बट वेलोसिटी है, तो अगेन वो मूव करेगी जब तक वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो जाती। इस तरह से ये मोशन कंटिन्यू रहेगा, दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये जो पॉइंट ओ फिक्स पॉइंट है, इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मोशन या फिर मेन पोजीशन। और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मैक्सिमम कहाँ पर, जहाँ पर बॉडी रेस्ट पे आई, उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। जो मैक्सिमम डिस्टेंस है बिटवीन दिस ओ और जहाँ पर बॉडी रेस्ट पे आती है, फिक्स पोजीशन पे, मेन पोजीशन और जहाँ बॉडी रेस्ट पे आती है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है, ए के इक्वल। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे हम। थैंक यू।